नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। हम इस समय खड़े हैं ग्राम सभा उमरगंज में। आप लोग जैसा कि देख रहे हो कि उमरगंज में अभी दो महीने लगभग तीन महीने पहले यही दिवाली की घटना घटी थी, जिसमें कि दो आदमियों की मौत हो गई थी। आज वही दिवाली की घटना घटी है जिसमें कि दो, एक भैंस और एक बछिया की जान गई हुई है। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के पमारा थाना क्षेत्र के उमरगंज गांव में हीरालाल यादव का कच्चा मकान की दीवार गिर गई, जहां पर गोपीनाथ यादव की एक भैंस और एक गाय का बच्चा मलबे में दबकर मर गया। दो दिन से लगातार हो रही बरसात के कारण कच्चा मकान गिर गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पमारा भी मौके पर पहुंच कर जायजा लिया और तत्काल मकान को गिराने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि तत्काल मकान नहीं गिरा तो कार्रवाई होगी। थानाध्यक्ष के निर्देश के बाद तत्काल जेसीबी लगाकर मकान को गिराने का कार्य शुरू हो गया था। खबर लिखे जाने तक जेसीबी लगाकर मकान को गिराने का कार्य शुरू कर दिया गया था। सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी की।